please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देखिए रेरा जो एक्ट आया है और वास्तव में ये रियल एस्टेट में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज तक जिस तरह अनऑर्गेनाइज्ड वे से काम हो रहा था, सब बिल्डर अपनी बिल्डिंग बना रहे थे, खरीदने वाले खरीद रहे थे, ब्रोकर अपना काम कर रहे थे, किंतु रेरा से आने से क्या हुआ कि सारे जने एक सूत्र में बन गए, एक लाइन में बन गए और वास्तव में जेन्युइनिटी का काम हो रहा है अब। और जो एक्चुअल यूजर है वो ले रहे हैं या जो बायर है, जो इन्वेस्टर है जिसका इन्वेस्ट सही जगह हो रहा है, तो रेरा से सब आपस में बन गए। अब मनमानी किसी की नहीं चलेगी और वास्तव में रियल प्राइस में सबको अच्छी चीज़ मिलेगी। देखिए जो आप जो इसमें 2017 में जो डाउनफॉल आया है उसके दो मुख्य कारण थे। एक तो डिमोनेटाइजेशन हुआ नवंबर में, उसके बाद फिर GST लग गई। इसके कारण एक्चुअल में खाली रियल इस्टेट ही नहीं, हर ट्रेड इंडस्ट्री में डाउनफॉल आया है, इकोनॉमिक रिसेशन आया पूरी इंडिया भर में। किंतु साथ में एक प्लस पॉइंट हो गया रेरा। रेरा के आने से, नहीं तो आज रेरा नहीं आता तो ये इंडस्ट्री खत्म हो जाती और आज इंडस्ट्री को कोई पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर ही नहीं मिलता और न कोई लेवाल मिलता, सब अपना इंडिविजुअल जो काम करना तो करते। तो रेरा का वास्तव में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रोल है और आगे भविष्य में भी इस रेरा के कारण ये इंडस्ट्री आज जो आप देख रहे हैं आज भी जीवित है और अपने EBM पॉइंट पे चल रही है, तो इसका कारण रेरा ही है।